टाटा हैरियर की एक नया फेसलिफ्ट मॉडल काफ़ी जल्द इंडिया के मार्केट में लॉन्च हो सकता है। सुनने को ये मिल रहा है उसमें एडास जैसे 360 डिग्री कैमरा जैसे तगड़ी तगड़ी फीचर्स दिए जाने वाले हैं टू कम्पीट विथ महिंद्रा XUV700। तो क्या कुछ है, पूरा डिटेल जानकारी लेंगे इस वीडियो में, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आपका सब्सक्राइब करना बेहद ज़रूरी है, तो अभी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाकर ऑल क्लिक कर लीजिए। 2019 से टाटा हैरियर मिड साइज एसयूवी के सेगमेंट में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है और काफ़ी बढ़िया सेल्स भी ले रहा है। 2020 में एक छोटा सा अपडेट इसमें आया था, उसके फ्रंट डिज़ाइन, ग्रिल और एलोइज में कुछ छोटा छोटा चेंजेस किया गया था। उसके बाद अभी हाल ही में हैरियर में कुछ कुछ चेंजेस, कुछ कुछ अपडेट किया गया है, जैसे कि वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो, अपर कारप्ले, वेंटिलेटेड सीट्स, एयर प्यूरिफायर काजीरंगा एडिशंस में दिया गया है। बात करें जाए टाटा हैरियर की, ये डायरेक्टली कम्पीट करता है MG हेक्टर महिंद्रा XUV700 जैसे गाड़ियों के साथ। अगर बात करें इस सेगमेंट की, इस सेगमेंट में कम्पीट करने के लिए गाड़ी में और कई सारे प्रीमियम फीचर्स होने चाहिए जैसे कि राइवल्स गाड़ियों में मिलता है। टाटा की तरफ से कुछ इन्फॉर्मेशन मिला है, टाटा बोलता है कि वो हैरियर की फेसलिफ्ट के ऊपर काम कर रहा है और उस प्रोजेक्ट का नाम Q5 MCE दिया गया है। टाटा बोल रहा है इसमें आपको टाटा की हैरियर की कई सारे चेंजेस देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि फ्रंट ग्रिल में चेंजेस रहेगा, फ्रंट हेडलैम्प में चेंजेस रहेगा, रेयर प्रोफाइल भी पूरा नया तरह दिया जाएगा, तो अलॉय व्हील्स, न्यू बम्पर्स, सारी चीज़ों में चेंजेस रहेंगे और काफ़ी सारे चेंजेस इंटीरियर भी किया जाने वाला है, जैसे कि इंटीरियर में डैशबोर्ड को थोड़ा चेंज किया जा सकता है, स्टीयरिंग को थोड़ा चेंज किया जा सकता है। और सुनने को ये मिल रहा है हरमान गार्डन जो कि टाटा के म्यूजिक सिस्टम दे रहा है, टाटा के लिए एक इंफोटेनमेंट सिस्टम डेवलप कर रहा है जिसमें आपको काफ़ी बेहतरीन, काफ़ी बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम देखने को मिल जाएगा टाटा के फेसलिफ्ट मॉडल में, और उसमें भी आपको 360 डिग्री कैमरा का ऑप्शन देखने को मिल सकता है। टाटा हैरियर को डायरेक्टली कंपेयर किया जाए XUV700 के साथ, टाटा हैरियर में एडास के फीचर्स होना तो काफ़ी ज़रूरी हो जाता है, तो इसलिए टाटा की तरफ से ये इन्फॉर्मेशन मिला है टाटा एडास को ऊपर भी काम कर रहा है, लेकिन ये कंफर्म नहीं हुआ है ये Level 1 के दिया जाएगा या Level 2 की, ये अभी तक कंफर्म नहीं है, लेकिन टाटा हैरियर में फेसलिफ्ट मॉडल में एडास फीचर्स के साथ लॉन्च हो सकता है। और कई सारे छोटे मोटे फीचर जैसे कि एम्बिएंट लाइटिंग, फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक जैसे कई सारे फीचर्स टाटा हैरियर फेसलिफ्ट मॉडल में जरूर देखने को मिल जाएंगे। बात करी जाए इंजन की, तो टाटा अभी सुनने को ये भी मिल रहा है पेट्रोल इंजन के ऊपर काम करें, किंतु राइवल में आपको कई सारे पेट्रोल इंजन का ऑप्शन दिए जाते हैं, तो टाटा अभी अपने हैरियर पे फेसलिफ्ट में पेट्रोल इंजन लेकर आने वाला है। यहाँ पे 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ टाटा हैरियर आ सकता है जिसमें आपको 150 bhp का पावर मिल जाएगा। आपको डीजल की बात करें तो वही आपको 2 लीटर टर्बो डीजल इंजन मिल जाएगा जो कि आप जीप कंपास में देख सकते हैं, ये एक्चुअली एक फियाट सोर्स इंजन है, काफ़ी बेहतरीन, काफ़ी अच्छा खासा ये इंजन आप इसको बोल सकते हैं। तो 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल और 2 लीटर डीजल इंजन के साथ टाटा हैरियर फेसलिफ्ट लॉन्च हो जाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं, टाटा अपने सस्पेंशंस को चेंज कर रहा है, ट्यून भी कर रहा है, क्योंकि काफ़ी बेहतरीन ऑफ रोडिंग के लिए इसके सस्पेंशन को कैपेबल बना रहा है। तो ये था पूरा इन्फॉर्मेशन टाटा हैरियर फेसलिफ्ट मॉडल के बारे में जो कि काफ़ी जल्द इन्हें के मार्केट में लॉन्च होने वाला है। एक्सपेक्टेड है ईयरली 2023 टाटा हैरियर फेसलिफ्ट मॉडल को इंडिया के मार्केट में लॉन्च कर दिया जाएगा। एक्सपेक्टेड प्राइस की बात करें तो टाटा हैरियर की बेस मॉडल की प्राइस रेंज पेट्रोल में शुरू हो सकता है 13 लाख से, एक शोरूम डेली के प्राइसेंस के हिसाब से। गाड़ी पेट्रोल में आ रहा है तो प्राइस रेंज काफ़ी डाउन से शुरू हो जाएगा, तो ये टाटा के काफ़ी अफोर्डेबल मिड साइज SUV होने वाला है इस सेगमेंट के अंदर।
तो ये था पूरा इन्फॉर्मेशन टाटा हैरियर फेसलिफ्ट के बारे में। आपको कैसा लग रहा है ये वीडियो? अच्छा लगा तो लाइक कीजिए दोस्तों, साथ शेयर कीजिए, और ऐसे से नए वीडियो देखना चाहते हो ऑटोमोबाइल्स को प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं ऐसे नए वीडियो के साथ, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।